छोटा सा जो लाए थे ना यहाँ, उन लोग का मिशन सक्सेसफुल हुआ, जो काम के लिए यहाँ पर भेजे गए थे गांव के बुजुर्ग लोग, पुजारी पुजारनी लोग जो भी है, जो मैं कुटा ढूंढने के लिए भेजे। हेलो गाइस, दिस इज रसल ब्लॉग वीडियो। होप कि आप सभी मस्त होंगे, मजे में होंगे और अपने अपने काम धंधे में व्यस्त होंगे। मेरा भाई, तो यार आज का ब्लॉग को स्टार्ट कर चुका हूँ। यहाँ पे मतलब आम का झाड़ है, जो भी है कि मतलब ये पारा को नहीं जानता कौन सा पारा बोलते हैं, तो पारा नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये वाला खेत है और यहाँ पर बगीचा मन लगा है, मतलब आम का झाड़ है, बगचा बोलते हैं जो भी है। सो आप लोगों को एक अच्छा वाला खुशखबरी बता दूँ, जो पहले का वीडियो भी आप लोग देख चुके हैं किस टाइप का, मतलब उस टाइम यहाँ आया था जो मक्काबाड़ी साइड का वीडियो देखे होंगे, कि मैं बता चुका था कि अपने गांव में बाली नृत्य रखा गया है, बाली पर्व, जो लगातार यानी कि 5 वर्ष में एक बार किया जाता है वो वाला नृत्य। तो भैया आप लोगों को बता दूं ना, 5 वर्ष में जो होने वाला था, जो हुआ आज लगातार, जो इस वर्ष 2024 में जो नृत्य रखा गया था, जो ना कंटिन्यू यानी कि 2 मंथ कंटिन्यू यहाँ नृत्य किया गया, जो कि आज ये वाला दिन का लास्ट दिन होगा एंड एकदम लास्ट वाला डे रहेगा। आज पर्व मतलब मेला होगा, वाली मेला, जो उसी के सिलसिले में गांव के सियान सज्जन देवी देवता का जो परीक्षण लिए टाइप का, उन लोग का जो बीमा कूटा बोलते हैं उसको छुपाने ले गए उस साइड, हम लोग जाएंगे उस साइड। मतलब असली रियल में अगर जो भी देवी देवता चढ़े हैं ना, उन लोग ढूंढ पाते हैं कि नहीं तो ये नहीं पता। एंड हम लोग तो कंटिन्यू अपना ब्लॉग पर बने रहना, हम लोग कंटिन्यू आप लोगों को एंटरटेनमेंट करवाते रहेंगे, तो भैया बने रहना कंटिन्यू ब्लॉग पर। तो फाइनली गाइस मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं कि अभी तक ना वो वाला कूटा को सारे क्या ही बोल सकते हैं यार, मतलब लेकिन वो कूटा को ढूंढ नहीं पा रहे हैं, क्या ही बताएं, ढूंढ नहीं पा रहे, मतलब लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है, सुनो ऐसा सुनो ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर देख के भी चलना चाहिए गाइस, बहुत खतरनाक वाला मतलब जगह है यहाँ पर, समझ रहे हो क्या वाला गोबर रहता है यार। और यहाँ पर भी देख सकते हो, कोई कोई लोग तो आए हैं पहले से, लेकिन यहाँ पर भी दिखा सकता हूँ आप लोगों को, तो बने रहना कंटिन्यू है ठीक है। और यहाँ पर बच्चे लोग को भी देख सकते हो, देखने आए हो है कि नहीं, आए बोलो। ओ तो भैया मतलब यहाँ पर उतने तो लोग नहीं है, इस साइड में भी एक मतलब आई थी एक जन देव, उनके पास आए थे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ तो बहुत सारा मतलब पानी बहुत है लेकिन ढूंढ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी निरंतर काम में लगे हैं, व्यस्त हैं, लेकिन अभी तक उन लोग ना सफल नहीं हुए हैं। सभी और यहाँ पर देख ही सकते हो, इतने सारे देवी देवता और गांव के सियान सज्जन लोग उनके साथ हैं, उन लोग का हेल्प करने में काफ़ी मदद कर रहे हैं। उन लोग तो मछली पकड़ने टाइप का है, इतना बड़ा तालाब है, माना कि नदी टाइप का बना, इस तालाब में बीमा कूटा ढूंढने में प्रयास कर रहे हैं अभी तक, लेकिन असफल हुए हैं, अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अभी देवी देवताओं का ऊपर देवी चढ़ चुका है, लेकिन इन लोग अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, फिलहाल ऐसे जगह में छुपा दिए हैं, लेकिन आज तो मतलब किसी को पता नहीं रहता है, जो छुपाया रहता है उसी व्यक्ति को पता रहता है, लेकिन अभी ना इन लोग रियल में ढूंढ के ही दिखाएंगे। बने ना अपना ब्लॉग पर कंटिन्यू, और यहाँ पर तो देख ही सकते हो। सो गाइस, कड़ी धूप तो निकल चुकी है, लेकिन हम लोग यहाँ पे वीडियो बना के पूरा खाले होते जा रहे। पहले से मैं ब्लैक वाला शर्ट पहन चुका हूँ और रेड, ऊपर से धूप का तापमान काफ़ी तेज, और इस साइड देख सकते हो ना, इन लोग बड़े स्विमिंग पूल में ढूंढ रहे हैं बीमा कूटा अभी तक, लेकिन ढूंढ नहीं पाए हैं। लेकिन ये तो छुपाने का परंपरा है, नीति संबंध है, जो वर्षों से चला आ रहा है, ऐसे ही करते हैं, छुपाते हैं और एक दिन दूसरे दिन सभी देव लोग को मतलब ढूंढने भेजते हैं, जो ढूंढ पाते हैं कि नहीं तो पता चल जाएगा। लेकिन एक टन तो मिल गया है और एक टन ढूंढने में अभी बाकी है। और लेकिन आप लोगों को बता दूं, इतने सारे लोग हैं जो नाइट में बिता है उतने, तो आज लास्ट डे है ना, क्योंकि 5 साल में एक बार होता है, इसी कारण लास्ट डे होने वाला है, इस कारण यहाँ पे आए। सो गाइस, और यहाँ पर देख ही सकते हो, इतने सारे लोग, लोगों का निगाहें तो देवी देवसाई पर है और हम लोगों की निगाहें तो कैमरे और लोगों पर है, जो कि हम लोग यहाँ पे इतने दिनों के बाद मतलब होता है, इसी के सिलसिले में हम लोग वीडियो बनाने आए हैं। और यहाँ पर देख सकते हो, एक टन तो बाली कूटा मिल गया है और दूसरा वाला ढूंढने के लिए अभी यहाँ पर इतना बड़ा डैम बनाया गया है, इसको भी नहीं मान रहे हैं, इसको भी तोड़ फोड़ करने का कोशिश कर रहे हैं। देख ही सकते हो, इतना पावरफुल है इन देवियों पर यार, मानना पड़ेगा यार। देख सकते हो, इतने लोग बैठ चुके हैं आगे बाजू, हर जगह जगह
दुर्गा में, और इन लोग को देख सकते हो इतना मतलब डैम को भी मतलब तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, तो इन लोग का काम ही है निरंतर प्रयासों में लगा है। शायद मिल गया गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मतलब ढूंढ रहे रापर आपके सो गाइस। और यहाँ पर देख सकते हो जो दूसरा वाला कुत्ता भी मिल गया है, जो पहले का तो पानी में मिला है और दूसरे वाला को एक रेत जगह में जो अपने हाथों का इस्तेमाल करके वहाँ नीचे खुद आ रहे हैं जो भी अपने हाथों का इतना मतलब एनर्जी के साथ इन लोग ढूंढ रहे हैं, फुल मेहनती के साथ इन लोग का ये काम कर रहे हैं जो कि इस जगह में बहुत ही नीचे छुपाया गया ऐसी लग रहा है। इन लोग तो मतलब अपने देवी के अवतार में इन लोग का आराम से मतलब आसानी से पहचान लेते हैं कि इस जगह में आए बोल के, इन लोग का कहना आए कि यहाँ पर आए बोल के जो देवी देवता का जो लायक ना यहाँ उन लोग का मिशन सक्सेसफुल हुआ, जो काम के लिए यहाँ पर भेजे गए थे गांव के बुजुर्ग लोग पुजारनी लोग जो भी है जो मैं कुटा ढूंढने के लिए भेजे थे ना वो सक्सेसफुल हो गया है, जो ढूंढ के यहाँ पे ले जा रहे हैं सभी लोग, और अभी कुछ समय बाद पूजा वगैरह करेंगे और ले जाएंगे देख सकते हो। और सूर्य देव का तो तापमान क्या ही करूँ यार, बने रहना कंटिन्यू, थोड़ा हम लोग थोड़ा ज़्यादा करिया हो रहे हैं। तो गाइस और यहाँ पर देख ही सकते हो सभी लोग मतलब गांव के सभी सियान सज्जन जो भी आए थे यहाँ पर एकत्रित होके जितने भी जो देवी देवताएं थे उन लोग का आदेश दिया गया कि यहाँ पर दो भीमा कुटा छुपाया गया है, उन लोग सक्सेसफुली मतलब फाइनली दोनों भीमा कुटा को ढूंढने में सफल हुए, और अभी सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होके इस भीमा कुटा को गांवरिया मतलब गांव के भीमा और गांव के उनके भीमा की पत्नी जो खोंदनी वगैरह जो भी बोलते हैं वो ना अपने सिर पे उठा के ले जाएंगे अपना पर्व जहाँ पे मेला वेला होता है वहाँ पे स्थित करेंगे। सो आर इन लोग का इतना स्वागत के साथ भाजा मोहरी का इस्तेमाल करते हुए सभी देवी देवता और लोगों का दर्शन यहाँ पर देखने के लिए काफ़ी अलग टाइप का लग रहा है देख सकते हो। अरे वाला ना देन देखने में बहुत ही मज़ा आता है।